सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया जाएगा। उससे पहले दोस्तों आपको कुछ जानकारी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप पहले जान लीजिए क्रय मूल्य क्या होता है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो क्रय मूल्य दोस्तों उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर ख़रीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कोई वस्तु हम 100 रुपये में ख़रीदे हैं तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप विक्रय मूल्य जानिए, जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचते हैं, जिस मूल्य पर हम बेचते हैं वह वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, वह वस्तु का सेलिंग प्राइस होता है। जैसे वस्तु को मान लीजिए हम वाई रुपये में बेच दिए, तो जो वाई रुपये है दोस्तों ये इसका सेलिंग प्राइस है, इसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब दोस्तों आप देखिए लाभ, प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कब होगा, जब हम किसी वस्तु को जितने मूल्य पे खरीदे रहेंगे उससे अधिक मूल्य पे बेचेंगे। जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा तभी आपको लाभ होगा। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, जब सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तब हमें लाभ प्राप्त होगा। आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर आपका क्रय मूल्य मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 10 रुपये होता और आप इसे 12 रुपये में बेच दिए, जब आप यहाँ पे रखेंगे सेलिंग प्राइस से जब आप कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो आपको 2 रुपये प्राप्त होगा। यही 2 रुपये दोस्तों आपका लाभ है। अब दोस्तों देखिए हानि। दोस्तों आपको हानि कब होगा, जब आप किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीद रहेंगे उससे कम मूल्य पे आपको सेल करना पड़े। जैसे दोस्तों आप किसी वस्तु को 10 रुपये में ख़रीद लिए लेकिन किसी कारणवश आपको 8 रुपये में बेचना पड़ा, तब आपको 2 रुपये की हानि हो गई। इसका फार्मूला दोस्तों आपका हो जाएगा इसका ठीक उल्टा, जब आप सीपी में से एसपी घटा देंगे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे। अब देखिए अगर आपका कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 10 रुपये था और आपका सेलिंग प्राइस 8 रुपये, तो जब यहाँ पे आप रखेंगे कॉस्ट प्राइस 10 सेलिंग प्राइस 8, तो आपको 2 रुपये की हानि प्राप्त हो गई। अब आप दोस्तों देखिए लाभ परसेंट क्या होता है और हानि परसेंट क्या होता है। अब दोस्तों आप देखिए लाभ परसेंट क्या होता है। दोस्तों लाभ और लाभ परसेंट में बहुत अंतर है। अगर आपसे लाभ परसेंट पूछा जाएगा तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला दोस्तों देखिए लिखा गया है, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और आपका लाभ कब निकलेगा दोस्तों, आपको लाभ कब प्राप्त होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अधिक होगा। जब हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, और बटे आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य करना है और गुणे 100, तो आपको लाभ परसेंट प्राप्त हो जाएगा। ये फार्मूला दोस्तों आपका है, लाभ परसेंट बराबर ये आपका होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। एक बात दोस्तों आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, लाभ या हानि किस पे डिपेंड करता है, हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। आप कितने रुपए में सेल कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी है इसी पे डिपेंड करता है कि आपको लाभ हुई है कि हानि। अब आप हानि परसेंट देखिए, उसका फार्मूला क्या होता है। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए हानि परसेंट इसका बताइए, दिए हुए प्रश्न में हान परसेंट बताइए। अब दोस्तों आप देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि दिए हुए प्रश्न में हान परसेंट कितना है या कितने परसेंट की हानि हुई है, तब आप फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, हान परसेंट बराबर होता है हान बटे क्रय मूल्य गुणे 100, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपका दोस्तों हान परसेंट का फार्मूला हो गया है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आपके कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंट की लाभ हुई है कितने परसेंट की हानि हुई है। अगर आप किसी वस्तु को 2000 में बेच दिए इससे तो आप पता नहीं कर सकते कि आपको हानि हुई है कि लाभ हुई है, लेकिन अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता है तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कि आपको लाभ हुई है हानि। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, यदि कोई वस्तु 70 रुपये में ख़रीद कर और 90 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ और लाभ परसेंट बताइए। तो आपको लाभ निकालना है सबसे पहले। दोस्तों लाभ का फार्मूला होता है,
सेलिंग प्राइस में आप जब कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस आपका 90 है, 90 रखिए, और कॉस्ट प्राइस आपका 70 है, यहाँ पर 70 रखिए। आपको कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 20, ये 20 रुपये आपको लाभ प्राप्त हुआ। अब आप लाभ परसेंट निकाल लीजिए। लाभ परसेंट बराबर दोस्तों आपको क्या होता है, यहाँ पर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए आपको 20 रुपये लाभ प्राप्त हुआ है, और आपका क्रय मूल्य कितना है जिसे आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं, 70 गुणे 100। आप दोस्तों इसे आप काट दीजिए, 0 से 0, 200 बटे 7, से आप लिख सकते हैं 28.57, ये आपको लाभ परसेंट हुआ है। आपका लाभ परसेंट दोस्तों यही है। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, यदि घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि हुई तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों क्रय मूल्य पूछा गया है, तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य एक समान लेते हैं जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हम एक समान ले रहे हैं। अब आप इस पर हानि परसेंट का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको हानि परसेंट दिया गया है, इससे आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हानि परसेंट का फार्मूला दोस्तों होता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माने सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और दोस्तों यहाँ पे आप देखिए हानि परसेंट आपको दिया गया 10, कॉस्ट प्राइस आपका एक्स और सेलिंग प्राइस आपका 1440 है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एक्स है और गुड़े 100। अब दोस्तों हम एक्स को इस साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, इसमें गुणा कर देंगे हम 100x माइनस 144,000। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे जब यहाँ पे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 90x बराबर 144,000। x बराबर दोस्तों आपको प्राप्त हो जाएगा 144,000 बटे 90, 1,000,000 काट देंगे दोस्तों, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 1600 रुपये। दोस्तों यही आपका क्रय मूल्य है, यहाँ पे क्रय मूल्य देखिए आपका एक्स माना गया था, आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1600 रुपये। जब 1600 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीदेंगे और 1440 रुपये में बेचेंगे तब आपको 10% की हानि होगी। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचे कि लाभ 5% हो। अब आप देखिए दोस्तों, जो पिछला प्रश्न था वही प्रश्न है, लेकिन इसमें पुनः न्यू सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों क्रय मूल्य आपका वही हो जाएगा 1600, तो हम कॉस्ट प्राइस 1600 मान ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पिछली वीडियो में हम निकाले थे 1600 आया था। अब आपसे न्यू सेलिंग प्राइस पूछा गया है, इस समय हम न्यू सेलिंग प्राइस आपका जो है वो एक्स मान ले रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, लाभ परसेंट का फार्मूला रखना है, और बाकी सभी जो दिया गया वो रख दीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, नया सेलिंग प्राइस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो लाभ परसेंट बराबर आपका दोस्तों होता है सेलिंग प्राइस में जो कॉस्ट प्राइस घटा देंगे अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आपका लाभ परसेंट का फार्मूला है। लाभ परसेंट आपका दिया गया है 5, सेलिंग प्राइस आपका एक्स है और कॉस्ट प्राइस आपका 1600 बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8000 बराबर 100x माइनस 160,000। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें प्राप्त होगा दोस्तों 100x बराबर आपका हो जाएगा 168,000।
एक्स बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा, सौ करिए, दो जीरो से काट देंगे आप, तो आपका नया सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा दोस्तों 1680। ये आपका न्यू विक्रय मूल्य है दोस्तों। जब हम 1680 रुपये में उस वस्तु को बेचेंगे तब हमें 5% का लाभ होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।